10 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज यानी 6 अप्रैल को कैसा किया बाजार ने प्रदर्शन। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 5वें दिन बढ़त पर बंद हुए हैं। आरबीआई पॉलिसी के बाद रियल्टी शेयरों में जोश देखने को मिला है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली है। 6 अप्रैल के कारोबार में ऑटो, फार्मा, मेटल शेयरों में बढ़त रही, वहीं आईटी और एफएमसीजी शेयरों में दबाव रहा। सेंसेक्स 144 अंक चढ़कर 59,833 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 42 अंक चढ़कर 17,599 पर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 42 अंक चढ़कर 41,041 पर बंद हुआ है। मिड कैप 194 अंक चढ़कर 30,354 पर बंद हुआ है। निफ्टी के 50 में से 30 शेयरों में तेजी रही, वहीं सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयरों में बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी बैंक के 12 में से 8 शेयरों में तेजी रही। डॉलर के मुकाबले रुपया भी 10 पैसे मजबूत होकर 81.90 के स्तर पर बंद हुआ है। अडानी एंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, बजाज फिनसर्व और सन फार्मा निफ्टी के टॉप गेनर रहे, जबकि HCL टेक्नोलॉजीज, ONGC, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा और ICICI बैंक निफ्टी के टॉप लूजर रहे। बता दें कि BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 6 अप्रैल को बढ़कर 262.41 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी कि 5 अप्रैल को 261.33 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह BSE में लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप में 6 अप्रैल को करीब 1.0 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 10 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। इस पर शेयर खान के जतिन गेड़िया का कहना है कि निफ्टी 6 अप्रैल को फॉलिंग चैनल के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है, ये एक पॉजिटिव संकेत है। डेली बोलिंजर बैंड में संकुचन आ रहा है, जो इस बात का संकेत है कि अब यहां से और तेजी आने की संभावना सीमित है। इसके साथ ही ओवरली मोमेंटम इंडिकेटर पर हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है, जो ऊपरी स्तरों पर बाजार में दबाव बनने का संकेत है। पिछले 5 दिनों में 700 अंकों की बढ़त के साथ अब बाजार में एक कंसोलिडेशन की पूरी संभावना है। इस बात के आधार पर लगता है कि अगले कुछ कारोबारी सत्रों में निफ्टी में कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। अगर निफ्टी इस करेक्शन में 17,500 से 17,430 के सपोर्ट जोन की तरफ जाता है, तो फिर हमें इस मौके को फ्रेश लॉन्ग के लिए भुनाना चाहिए। वहीं कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले का कहना है कि काफी लंबे समय के बाद निफ्टी एक बार फिर से 200 डे SMA हासिल करने के बाद डेली और वीकली चार्ट पर एक बुलिश कैंडल बनाता दिखा है। अब निफ्टी के लिए 17,500 से 17,375 के स्तर पर सपोर्ट दिख रहा है, वहीं ऊपर की तरफ इसके लिए 17,700 से 17,800 के जोन में रेजिस्टेंस दिख रहा है। इस बीच बैंक निफ्टी ने भी वीकली चार्ट पर एक बुलिश कैंडल बनाया है और मजबूती के साथ 50 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी के लिए 40,700 या 50 डे SMA का स्तर सपोर्ट लेवल होगा। अगर ये सपोर्ट बना रहता है तो निफ्टी में 41,500 से 41,700 का स्तर भी देखने को मिल सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।